अगला सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, तो ये होते हैं काइंड में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नात्मक वाक्य, यानी इसकी आत्मा जो है, आत्मा समझते ना, ये प्रश्न पूछने में ही बसती है। ये बैताल का लगता है छोटा भाई है, हमेशा विक्रम को सवाल पूछते रहता है। विक्रम मान लो स्टेटमेंट्स है, असर्टिव सेंटेंस है, और बैताल जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक कहानी सुनाकर सवाल पूछता है और फिर उड़ जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में और अधिक चर्चा करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। एक सवाल पूछता है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद एन इंटरोगेटिव मार्क और क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि एक वाक्य जो एक प्रश्न पूछे और जिसके अंत में, इतना आसानी कोई गधा नहीं पहचानेगा इसके, कि जिसके अंत में एक क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है, ठीक है, तो उसको डराने के लिए हम काली माँ का हथियार दिखाते हैं, ठीक है। तो वही काली माँ का हथियार रहेगा और उसके नीचे में गुरु जी का, डर के मारे तो उनसे सब डरते हैं, फुल स्टॉप रहेगा एक बिंदु। तो उसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, हर हालत में इसमें रह गए। प्रश्नवाचक वाक्य का जो चिन्ह है वो हर हालत में रहेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, इस सेंटेंस में थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये दो तरह के होते हैं। इस पहला होता है इसमें यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जिसके आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अब ये जब भी शुरू होंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दो तरह के होते हैं। एक तो मॉडल होते हैं, इन पर लेटर वीडियो में चर्चा की जाएगी, और दूसरा प्राइमरी होते हैं। हालांकि इनकी झलक तो सर दिखला ही देना चाहेंगे कि जो ऑक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्जुलरी वर्ब होते हैं, जिनसे जो प्राइमरी ऑक्जुलरी वर्ब होते हैं उनकी, उनके बारे में जान लेते हैं। इज एम आर, वाज वर, हैव हैज, डू डिड, डज, ये आपके प्राइमरी ऑक्जुलरी वर्ब है। फिर से देख लीजिए, इज एम आर, वाज वर, हैव हैज, had, do, did, does, ये प्राइमरी ऑक्जिलरी वर्ब है। और उसके बाद एक है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब तो भाई मॉडल है, इस पर वीडियो बाद में देखने को मिलेगी। तो मॉडल वर्ब की संख्या 13 है। shall, will, can, could, may, might, dare, need, used to, should, would, must, ought to, चल 13 है। फिर से देखते हैं, shall, will, should, would, can, could, may, might, dare, need, used to, ought to, must, 13 हो गए। अब आगे चलते हैं, जो yes no में दे सके, helping word से शुरू हो, उसे कहते हैं yes no question। जैसे इज सीता अ गर्ल, क्या सीता एक लड़की है? तो अगर आंसर यस है तो सिर्फ यस देंगे, नहीं है तो नो देंगे। हम सारे लोग जानते हैं इसके आंसर यस होंगे। जैसे एम आई फुलिश, कह सकते हैं यस, नहीं भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि ही इज अ बॉय, इज ही अ बॉय, तो आप इसका आंसर जब भी देंगे तो यस में ही देंगे। और इज सी अ बॉय, तो इसका आंसर नो में ही होगा, क्योंकि सी जब भी होता है तो गर्ल के लिए ही होता है।
नो no. तो ये यस नो क्वेश्चन इसीलिए कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो डब्ल्यू से शुरू होते हैं या फिर एच से शुरू होते हैं। जो W से शुरू हो या H से शुरू हो उसे कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इस चीज को समझिए। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हु वेयर वेन हाउ विच व्हाट व्हाई ये सात हैं भाई और whom whose दो इनके बेटे हो गए। ठीक है, ये नौ व्यक्तियों का परिवार है मुख्यतः। और भी सदस्य आप जोड़ सकते हैं आपकी इच्छा है तो, लेकिन ये नौ व्यक्तियों का परिवार है। जैसे who, where, when, how, which, what, why और whose और whom जोड़ दीजिए। इसमें इकलौता हाउ है। ठीक है, छह बहनों के बीच में एक भाई हाउ है जो H से शुरू हो रहा है, बाकी सारी बहनें तो W से ही शुरू हो जाती है। और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क होंगे नहीं होंगे, और लेकिन इसके आंसर इसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो डब्ल्यू या एच से शुरू होने के कारण नाम दिया गया, लेकिन इसके आंसर जो देंगे ना वो आंसर एक पूरा होल सेंटेंस में देंगे। कैसे देंगे? होल सेंटेंस में देंगे। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे? तो देखिए कई बार बच्चे गलती करते हैं, जब उनसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम तो राहुल, मन तो करता है दो थप्पड़ खींच के मारे। अरे ऐसे कैसे जवाब दे सकते आप? एक क्लास है ना। अगर व्हाट इज योर नेम पूछा गया, WH क्वेश्चन पूछा गया, तो एक पूरे होल सेंटेंस में आंसर होना चाहिए माई नेम इज राहुल कुमार। ठीक है, अब उनको पता ही नहीं है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन बना दिए, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। और कुछ बच्चे तो ठांकू भी लिख देते हैं फेसबुक पे, ठेकुआ लिख दो ताकि पेट भी भर जाए किसी का। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हो गए,